हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर, हम जब पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आती है, उसी टाइम नींद आने लग जाती है, तो कोई समाधान बताइए। तो दोस्तों, ये एक नेचुरल चीज़ है जो आपको आपको ही नहीं सभी को आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं आती। तो उन्हें फ़र्क क्या होता है, वे कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करते हैं पढ़ते समय जो आप नहीं करते होंगे। तो दोस्तों, यदि आप छोटी छोटी चीज़ें आप अपने पढ़ाई करते समय अपना लें तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? हमें नींद कब आती है? जब हमारा शरीर, हमारा माइंड ये सोच लेता है कि अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है तो अब आराम करना चाहिए, तब पूरा शरीर को ऑर्डर देता है कि अब सो जाओ, तब जाके हमें नींद आती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तब आपको नींद आई हो? कभी नहीं आएगी। क्या आपने सोचा है कि गेहूं काटते समय हमें नींद क्यों नहीं आती? नहीं आती है दोस्तों, उसका रीजन है। यदि साइंटिफिक रीजन की मैं यहाँ बात करूँ, जब हमारा शरीर रिलैक्स पोजिशन में होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है जिससे हमारे माइंड तक ऑक्सीजन कम पहुंचने लग जाती है। तो माइंड सोचता है कि अब पूरा शरीर रिलैक्स पोजीशन में है, अब कोई काम नहीं कर रहा है तो अब सो जाओ, ठीक है, तब जाके शरीर को नींद आ जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसा कर लीजिए आप कि आपका शरीर मूवमेंट में रहे और माइंड तक, आपकी ब्रेन तक आपकी ऑक्सीजन सही पहुंचती रहे, या आपका लैक्टिक एसिड जो बनता है वो कम बने ताकि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में हमारे शरीर में मूवमेंट में रहे। तो दोस्तों, 7 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी आप पढ़ें तो आप लगातार एक पोजीशन में ना पढ़ें। मेरा मतलब क्या है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बैठकर कुर्सी पर बैठकर चेयर पर बैठकर, तो आप आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आप 5-7 मिनट टहलते हुए पढ़ लीजिए, ठीक है, खड़े होकर पढ़ लीजिए, आपको उसमें नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी आपके, क्योंकि उस समय आपका मूवमेंट होगा, फिजिकली मूवमेंट होगा, तो जो लैक्टिक एसिड है वो कम बनेगा और ऑक्सीजन की मात्रा है वो माइंड में सही पहुंचती रहेगी। माइंड को पता लगेगा कि पूरा माइंड, जो शरीर है वो लगातार सही कार्य कर रहा है, कभी उसको सोना नहीं है, ठीक है, वो जगाए रखेगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है, आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पेन से लिखने की आदत बना लीजिए, साथ में आप मेन मेन पॉइंट नोट करते रहिए। उससे क्या होगा, आपके हाथ हिलते रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे, तो शरीर को लगेगा, माइंड को लगेगा कि हमारा शरीर अभी कार्य कर रहा है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। इस हैबिट को आप अपना लीजिए। तीसरा आपको क्या करना है, लगातार एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि लगातार आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको बोरिंग लगने लग जाएगा। यदि आपको बोरिंग लगेगा तो आपको नींद आएगी, उससे आपको छुटकारा लेने की सोचनी पड़ेगी। आपको होता है, यदि मैं लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे मन में आता है यार बहुत हो गया, बोरिंग हो गया, आप नहीं पढ़ते इसको, ठीक है, आप इसको लगातार टॉपिक चेंज करते रहिए, सब्जेक्ट चेंज करते रहिए, आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, शरीर को स्टैंड अप पोजिशन में रखिए। इसका क्या मतलब है, आप ऐसे करके मत पढ़िए, आप लगातार ऐसे स्टैंड अप पोजिशन में काम करिए तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ प्रयास लग रहा है ऐसे पोजिशन करने में, सीने ताने में, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि माइंड तक, ब्रेन तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंच रही है, लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, तो आपका सही वर्किंग पोजिशन में रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इस हैबिट को अपना के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेक जरूर लें। लगातार आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ रूटीन में आप 10 मिनट का ब्रेक जरूर दीजिए आपको। यदि आप ब्रेक नहीं दोगे आप थक जाओगे, थकने के बाद आपको नींद पक्की आएगी, ठीक है। तो आप ब्रेक लगातार देते रहिए अपने शरीर को, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक जरूर लें, 5-7 मिनट, 10 मिनट का, जो भी आपको उससे, क्योंकि वो कहते हैं ना, यदि आपको लंबा चलना है तो आप ब्रेक लेके पहुंच सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ब्रेक लेते रहिए। उसके बाद क्या है, पढ़ते समय अपने हाथों को मूवमेंट में रखें, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साथ में आपको ऐसे हिला हिला के बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आप पढ़ते समय हैबिट बना लीजिए, पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए, पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ ऑटोमेटिक हिलेंगे, ठीक है। तो
तो आपको मूवमेंट में रहेगा आपका फिजिकली, तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, आप लगातार 30 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद पानी पीने की आदत जरूर बनाएं। आप पानी पिएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होगी और माइंड तक सही समय पर पहुंचती रहेगी, तो माइंड को लगेगा कि शरीर अभी वर्किंग पोजिशन में है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी आदतें अपना के आप अपने सोने की आदत है, जो पढ़ाई करते समय आप सो जाते हो, उस हैबिट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपका दोस्त नहीं कर रहा होगा, उसकी नींद नहीं आती होगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद कर लीजिए कि आपको पढ़ते समय क्या क्या कैसे बैठना है। ठीक है, मूवमेंट में शरीर रखना है, बस मेन बात ये है। यदि आपका फिजिकली मूवमेंट होता रहेगा आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो बस आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी को इस बारे में पता चल जाए और उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।